Assalamu alaikum. I thought of shopping. Let me show you my shoes collection. And this is my baby's shoes जो कि मैंने जो है वो Clive से लिए थे. और मैं ज़्यादातर shopping Clive से करती हूँ, Clive से और Heels से. तो आज भी मैंने वहीं से की है. ये मेरी बेटी के shoes हैं जो कि मुझे offer मिले थे, मुझे पसंद आए थे, जो कि lights में हैं, जिनके अंदर lights चलती है. उसने बाहर निकाल के रख दिए थे, तो मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिए. तो इनका कलर जो है वो मैरून रेड कलर में है ये. तो आप किसी भी सूट के साथ बच्चों को पहना सकते हैं. मैंने वैसे उसके जो है कैजुअल यूज़ के लिए लिए हैं, घर में पहनने के लिए. इस तरह से इसके अंदर लाइट्स चलती हैं. तो इसके अलावा मैंने इसके दो शूज़ तीन और भी लिए थे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. एक तो इस तरह से जोकर्स लिया था क्योंकि विंटर चल रही हैं, तो हम घर में जो है इसी तरह के शूज़ ही बच्चों को यूज़ कराते हैं. और एक मैंने ये सैंडल लिया था जो कि डे टाइमिंग में बच्चा जो है वो कभी जोकर्स पहनना नहीं पसंद करता, तो हम उसको ये सैंडल पहना सकते हैं. तो इस तरह के सैंडल्स जो है आप बच्चों को सॉक्स के साथ भी वेयर करवा सकते हैं. विद सॉक्स वो डे टाइमिंग में विद सॉक्स वो वेयर कर सकते हैं. तो ये लिया था मैंने एक सैंडल. उसके अलावा ये मैंने उसका बन शूज लिया था, स्टोन्स में है, जो कि जिसका कि गोल्ड कलर है, सिल्वर गोल्ड कलर भी कह सकते हैं आप. और ये मैंने जो है फैंसी लिया था कहीं, मतलब शादी वगैरह के लिए या कोई इवेंट वगैरह जैसे आ जाता है तो उसके लिए. हाँ जी, तो साथ में एक मैंने जो है वो गिफ्ट करने के लिए लिया था शूज़, जो कि 5 years की कज़न है मेरी, उसके लिए. उसके भी रिजनेबल प्राइस थे और शूज़ मुझे बहुत पसंद आया था, जो कि वाइट कलर में है और इस पर तीन जो है वो फ्लावर्स हैं. हाँ, तो शूज़ आप लोग देख चुके हैं, ये तीनों मेरी बेटी के भी और ये शूज़ भी मैंने चारों जो हैं वो क्लाइव से परचेज़ किए थे और तीनों ही मुझे बहुत पसंद आए थे. तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप लोग क्लाइव पे विज़िट कर सकते हैं. और प्लीज़ इग्नोर माई हैंड्स बिकॉज लाइट बहुत कम थी और मैंने जो है वो रात में बैठ के बनाए थे, तो इसलिए हैंड बहुत ज़्यादा डार्क आ रहे हैं. हाँ जी, तो अपनी शॉपिंग मैंने की थी हील्स से. और तो ये है फर्स्ट शूज़ जो कि मैंने हील्स से लिया था, तो मैं आपको दिखाने लगी हूँ. और इसके अलावा मैंने तीन शूज़ और भी लिए थे. ये मैंने लिया था रेड कलर का जो कि स्लीपर है और रेड और वाइट स्टोन्स में, ठीक है. तो आप इसको कहीं अगर जा रहे हैं आप तो आप तब भी यूज़ कर सकते हैं. थोड़ा सा इसका जो नीचे सोल है वो थोड़ा है सख्त है, लेकिन आप वेयर कर सकते हैं. कहीं जा रहे हैं आप, जो शॉपिंग पे जा रहे हैं उस टाइम भी वेयर कर सकते हैं, घर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. इसके बहुत रिजनेबल प्राइस थे. तो एक मैंने ये लिया था. इसके अलावा मैंने एक फैंसी लिया था ब्राइडल वेयर में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. ये साथ साथ पैकिंग कर रही हूँ, रात का टाइम है तो साथ ही पैकिंग आप लोगों को दिखाने के फ़ौरन बाद ही मैं सो जाऊँगी, तो इसलिए साथ साथ आपको दिखा रही हूँ. और एक मैंने ये लिया था सैंडल जो है, सॉरी स्लीपर, गोल्डन कलर में, सिल्वर गोल्ड कलर में, और सॉरी सिल्वर नहीं, कॉपर गोल्ड में. इसका जो सोल है वो सॉफ्ट है, जो पहले दिखाया था उसका सोल जो है वो सॉफ्ट नहीं है, बट इसका सोल सॉफ्ट है. इसको आप जो है इजीली कैरी कर सकते हैं, इससे आपकी जो हील्स हैं वो भी पेन नहीं करेंगी और आप आराम से जो है इसको कैरी कर सकते हैं. सिंपल सा है बट जब आप डिफरेंट ड्रेसेस के साथ इसको वेयर करते हैं तो अच्छा लगता है. ऐसे तो भी सर्दियाँ चल रही हैं, तो जब धूप निकलती है तो उस टाइम भी हम लोग इस तरह के शूज़ पहनते हैं. जब फोगी मौसम होता है या बादल बने होते हैं तो हमें बंद शूज़ जो है वेयर करने पड़ते हैं. हाँ जी, तो ये मेरी कज़न की शादी है तो उसके लिए मैंने एक ये शूज़ जो है वो सिलेक्ट किया था अपने लिए, जिसका कि कॉपर और वाइट कलर में काम हुआ हुआ है, ठीक है, और बीट्स का और दबके का काम है और इसके ऊपर स्टोन्स का काम है. मतलब डिफरेंट उसका वर्क है, बट आप इसको वाइट के साथ भी पहन सकते हैं, मतलब सिल्वर सूट के साथ भी कैरी कर सकते हैं, आप इसको गोल्डन के साथ भी कैरी कर सकते हैं. दोनों के साथ जो है ये चल जाएगा, तो आपको जो है सेपरेट सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है. इसकी बैक हील पे भी इसी तरह से काम हुआ हुआ है, वर्क है जैसा कि फ्रंट पे है. तो मुझे ये बहुत पसंद आया था. तो
एक मैंने ये लिया था, और एक मैंने लिया था बंद में, मतलब बंद कोर्ट शूज़ कह लें आप, तो वो लिया था मैंने। और ये तीन मैंने ओपन में लिए थे। एक मैंने कोट शूज़ लिया था सर्दियों के लिए, साथ साथ ही डिब्बे में बंद कर रही हूँ ताकि बाद में मुझे मुश्किल ना हो आप लोगों को दिखा कर फ़ौरन ही मैं सो जाऊँ जाके। हाँ जी, तो डब्बा जो है वो अंदर ही खुल के गिर चुका था। हाँ जी, तो उसका ढक्कन भी जो है वो टेढ़ा हो चुका है। हाँ जी, तो एक मैंने ये लिया था, ये भी जो है गोल्डन कलर में है, ठीक है। इसका कलर बहुत प्यारा है, आप किसी भी लाइट कलर के सूट के साथ या डार्क कलर के सूट के साथ वेयर कर सकते हैं। इसकी हील जो है वो भी शॉर्ट हील है, आपको मुश्किल नहीं होगी कैरी करने में, और स्टाइल भी जो है वो यूनिक है। हाँ जी, तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। और ये मेरे बेबी के शूज़ थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसका साइज़ और कहीं से नहीं मिलता है मुझे, इसका साइज़ हमेशा क्लाइव से मिलता है, और मैं इनकी जो कलेक्शन है उससे सेटिस्फाई हूँ अपनी बेटी के लिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और इनके पास साइज़ भी मिल जाते हैं, और इनके पास डिज़ाइनिंग्स भी बहुत अच्छी होती हैं। मैं उसके विंटर समर दोनों के शूज़ जो हैं वो इन्हीं से परचेज़ करती हूँ। और हील्स पे जो है वो मेरी बेटी का साइज़ नहीं मिलता है, मैं अपने शूज़ हील्स से परचेज़ करती हूँ, बट क्लाइव से मैं अपने भी परचेज़ करती हूँ। वो भी फिर मैं किसी दिन आपको अपनी जो सारी शूज़ कलेक्शन है वो दिखाऊंगी। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और थंब लाइक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।